आपने अपनी आंखों से नज़ारे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इंदौर का ऐसा नज़ारा जो हमें दिखा रही है हमारी ही नायरा, ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आंखें खोल के गौर से देख लीजिए, ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। कार्तिक का साथ छोड़कर नायरा ने बना लिया है जलेबी के साथ नया रिश्ता। जलेबी के अलावा नायरा आज रसमलाई खा रही है, पानी पूरी खा रही है और पोहा खा रही है। भाई खाने के साथ नायरा का ऐसा ही कुछ रिश्ता है और ये रिश्ता कहलाता है मिठास का और प्यार का, जिसे नायरा ने अनुभव किया मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर में। मैं इंदौर में आई अवार्ड 2019 के मौके पर नायरा यानी शिवांगी जोशी चटोरी बनने के साथ साथ ये तो जलेबी वाली भी बन गई और खुद ही अपने हाथों से जलेबी खिलाई और अपने फैंस को भी खिलाई। जलेबी के अलावा यहाँ का फेमस कांदा पोहा भी ट्राई किया और उसके बाद यहाँ की मिठाइयों के तो क्या कहने, फिर चाहे वो रसमलाई हो या फिर वो यहाँ की तरह तरह की यमी यमी चीजें। भाई शिवांगी ने इंदौर के 56 बाजार में ये सभी ट्राई किया और इन सब के बाद उन्होंने इंदौर की मशहूर पानी पूरी के जायके का भी मजा उठाया और उसके बाद जमकर आइट अवार्ड्स में अपने डांस की रिहर्सल की, जहां वो मोहित मलिक के साथ डांस करती हुई नजर आएंगी। वैसे खास बात है कि इस बार शिवांगी यानी नायरा स्टेज शेयर कर रही है अपनी ऑन स्क्रीन सौतन यानी पंखुड़ी के साथ और इनके साथ है मोहित मलिक और गौतम रोड़े यानी पंखुड़ी के रियल लाइफ हस्बैंड। तो आज हम नायरा के साथ करेंगे एक इंदौरी डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की इंदौर के मशहूर 56 बाजार में, जहां सूट फूट पहनकर शिवांगी जोशी कर रही थी हमारा इंतजार। हाय एवरीवन, आज मैं इंदौर में हूं और सास बहू बेटियां मुझे बाहर लाए हैं कुछ खिलाने के लिए। हमने सुना है यहाँ का खाना बहुत फेमस है, तो अभी हम 56 भोग नाम की एक जगह है जहाँ पे हम आए हैं, दुकान वहाँ हम आए हैं और वहाँ हम बहुत कुछ खाने वाले हैं। मैं मीठे की वैसे भी शौकीन हूँ और मैंने सुना है पोहा जलेबी बहुत फेमस है। पोहा मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है पोहा, वो खाएंगी, मैं जलेबी खाऊंगी तो देखते हैं हम आज हमें क्या क्या मिलता है। भाई इंदौर की चटोरी गली का नाम है 56 बाजार, जहाँ पर 56 खाने की दुकानें हैं, जहाँ पर तरह तरह की चीजें मिलती हैं। लेकिन इंदौर मशहूर है अपने पोहे के लिए, इसलिए इस चटोरी से डे आउट की शुरुआत करते हैं पोहे के साथ। भाई शिवांगी को जलेबी का बहुत शौक है और यहाँ की जलेबियाँ तो फेमस है, तो हमारी चटोरी डे आउट का अगला पड़ाव है जलेबी मेकिंग। लेकिन आज शिवांगी अपने हाथों से जलेबी बनाएगी। मैं जलेबी बनाने वाली हूँ, मैंने कभी नहीं किया ये सब और मुझे आज जलेबी मेरी फेवरेट है और मैं आज यहाँ जलेबी बनाना सीखूंगी। वैसे यहाँ पर शिवांगी को मिलने के लिए ढेर सारे इंदौर वासी आए हैं, लेकिन शिवांगी ने कहा कि अगर वो उसके हाथ की जलेबी खाएंगे तभी उन्हें सेल्फी मिलेगी। आप सब लोग जो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ खानी पड़ेगी जलेबियाँ। हाँ, सेल्फी नहीं मिलेगी, जलेबी मिलेगी, जलेबी खानी पड़ेगी, उसके बाद सेल्फी मिलेगी। आपने बनाई ना, आप भी खा रहे हो? हाँ, सबको खिलाओ। बस खिला रहे हैं हम, खाओ खिलाओ भाई, सब खाओ जलेबी। बिल्कुल सब खा रहे हैं भाई, थोड़ा आप पहले शुरुआत आप करें। अभी मैंने शिकंजी पी है जो कि दूध की शिकंजी है, दूध मट्ठा और बहुत सारी चीज़ों से बनती है जो कि बहुत ही अच्छी थी और यहाँ की आई थिंक स्पेशलिटी है, यहाँ स्पेशली यही मिलती है।
मुझे बहुत मजा आया। और इस रसमलाई क्या शाही रसमलाई है, ये शाही रसमलाई जो गिर गाय के दूध से बनी है और गन्ने के रस से बनी है। और गन्ने के रस से बनी है। भाई मिठाई भी खा ली, पोहे भी खा ली, लेकिन अब कुछ चटपटी चीज खानी चाहिए और वो चटपटी चीज है इंदौर की पानी पूरी। पानी पूरी मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट है और यहाँ की पानी पूरी बहुत फेमस है। यहाँ का तो ऐसे खाने की सारी चीजें बहुत फेमस है, तो ये ना ऐसी कोई अच्छी जगह पे आए जहाँ सब कुछ मिलता है, चाट मिलता है, मीठा मिलता है, वहाँ पानी पूरी ना खाई तो फिर कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं पानी पूरी खाने वाली हूँ। इसके बाद शिवांगी ने सवार हो ली हमारे साथ हमारी गाड़ी में और पहुंची रिहर्सल के वेन्यू पर। तो आज हमने बहुत सारा खा लिया है और अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद जिसके लिए हम इंदौर आए हैं वो काम करेंगे। तो बस थैंक यू सो मच सास बहू बेटिया, हमें बहुत मजा आया। भाई पर्ती पर तो कार्तिक के लिए नायरा वेदिका से लड़ती है, लेकिन आइट अवार्ड्स के मंच पर नायरा और वेदिका एक साथ है। गौतम लड़े और मोहित की जुगलबंदी होगी आइट अवार्ड्स का मेन अट्रैक्शन और फिर इन चारों का जॉइंट परफॉर्मेंस इंदौर के दर्शकों का दिल जीतेगा। तो देखा आपने इंदौर में नायरा ने सास बहू और बेटिया के साथ कैसे चटोरी गलियों के मजे उठाए और उसके बाद डांस रिहर्सल कर पसीने भी बहाए, यानी कुल मिलाकर उन्होंने शहर का पूरा मजा उठाया और इंदौर वासियों को अपने डांस का जलवा भी दिखाया। और ये सब यादें लेकर वो जा रही हैं वापस मुंबई। इंदौर से ज्योति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।